Okay, class. Good morning, everyone. This is all about your chapter number 5. Everyone, you will just mute your mic, class 8. And I am going to start my chapter. And chapter number 5 is When People Rebel, 1857 and After. अब हिस्ट्री में ये जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है क्लास, ये जो टाइम पीरियड है ये 1857 का है। इसके पहले हमने देखा था कि अभी हम देख रहे हैं कि अब जो टाइम स्टार्ट हो रहा है ये रिवेलिंग का है। रिवेलिंग क्यों हो रही है? रिवेल मतलब होता है विद्रोह करना। विद्रोह क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया देश में, कंट्री में, कि सब लोग विन पीपल रिवेल, लोग रिवेल करना शुरू कर रहे हैं। टाइम पीरियड है 1857 एंड आफ्टर, और उसके बाद क्या होता है, रिवेल का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम ओवरऑल समझेंगे कि 1857 में इंडिया में क्या हो रहा था उस समय, पॉलिसीज रिवेल क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉलिसीज जो ब्रिटिश पॉलिसीज है वो कुछ इस तरह की हो गई थी कि जितने भी लोग थे देश के वो सब कहीं ना कहीं ब्रिटिश से बहुत ज्यादा डिसकंटेंट थे। ठीक है, दे वर नॉट प्लीज्ड फ्रॉम ब्रिटिश पॉलिसीज। अब कौन कौन से लोग थे, जैसे नवाब थे, तो नवाब ने अपने पावर को लूज कर दिया था क्योंकि इन ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से। इसलिए जितने भी नवाब थे देश के वो बहुत ज्यादा डिसकंटेंट थे, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। सेकेंड थिंग, फिर हम ये समझेंगे कि जो पीजेंट्स एंड सिपॉयज थे ये भी दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम दिस ब्रिटिश पॉलिसीज, दिस कॉलोनियल गवर्नमेंट। पीजेंट्स का तो हमने देखा ही था कि किस तरह से इंडिगो कल्टीवेशन से कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है पीजेंट्स के ऊपर। फिर हमने देखा था कि उनको जो ये महलवारी, रैयतवारी एंड एक और था मुंडू सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम से कितनी प्रॉब्लम आई थी। क्लास एवरीवन जस्ट म्यूट योर माइक। निशा आर्या, तो पीजेंट्स की भी हालत बहुत खराब हो रही थी क्योंकि इतनी सारी जो लैंड सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था उसमें आप देख ही रहे हो कि इंडिया में जो तीन तीन जगहों पे तीन तीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, तो उससे जो प्रिजेंट्स थे उनको हाई लेवल ऑफ टैक्स देना होता था और बहुत ज़्यादा रिजिड होते थे ये लोग टैक्स लेने के लिए। हमने देखा ही था कि ये लोग गोमास्था जैसे लोगों को अपॉइंट किया था और ये गोमास्था इंडिया के जितने भी प्रिजेंट्स होते थे उनके साथ टैक्स कलेक्ट करते थे ज़बरदस्ती। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रिजेंट्स भी क्या थे, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे ब्रिटिश पॉलिसीज से। तो सिपॉयज क्या, और ये सिपॉयज मतलब होता है सिपाही। अब ये लोग क्यों सिपॉयज क्यों दुखी थे इन लोगों से, ब्रिटिश पॉलिसी से, तो वो इसलिए क्योंकि इनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। पीजेंट्स का तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा था, सिपॉयज का भी पढ़ लिया, ऊपर हमने नवाबों को भी देख लिया कि जो ये नवाब्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है ब्रिटिश पॉलिसी से। फिर आगे रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म, और फिर ये ब्रिटिश पॉलिसीज जो इंडिया में रिफॉर्म्स करती है उसका रिस्पॉन्स यहाँ के लोग किस तरह से करते हैं ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, लोगों की नज़र में ब्रिटिश पॉलिसीज का कितना बुरा इम्पैक्ट था। ये लोग अपनी अपनी कहानी बताएंगे कि क्या क्या हुआ था 1857 से पहले कि लास्ट में लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उनको रिवेल करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा। आखिर हुआ क्या था, क्यों पूरी की पूरी कंट्री के लोग जो इतने ज़्यादा परेशान थे, क्यों सिपॉयज, क्यों लोग, और क्यों जो नवाब्स थे, क्यों पीजेंट्स थे, ये सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये हम यहाँ पे सोर्सेस पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉब्लम क्या थी। फिर आगे है कि इसके बाद इस चैप्टर में अ म्यूटिनी बिकम अ पॉपुलर रिवेलियन, कैसे एक म्यूटिनी मतलब होता है एक गदर जो है कैसे एक पॉपुलर रिवेलियन बन गया, एक इतना बड़ा विद्रोह बन गया कि उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा गया, कि इतने बड़े लेवल पे जो ये वॉर हुआ था। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जब वॉर म्यूटिनी एक पॉपुलर रिवेलियन बनता है तो मेरठ से ले करके दिल्ली तक, अब इस मेरठ का पर्टिकुलर नेम क्यों आया है,
रिबेलियन स्प्रेड, कैसे धीरे धीरे रिबेलियन जो है वो स्प्रेड कर रहा है, पूरे देश में फैल रहा है, 1857 का रिबेल। उसके बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे कंपनी फाइट्स बैक, और फिर कंपनी जो है वो वापस कैसे फाइट कर रही है जब रिबेल होता है, तो कंपनी का रिस्पॉन्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का रिस्पॉन्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रिस्पॉन्स देश के लिए, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है इस रिबेल को, ये हम यहाँ पे समझेंगे। और फिर हम देखेंगे कि लास्ट में आफ्टर मैथ, यानी कि इतने लार्ज लेवल पे जो ब्रिटिश जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसका आफ्टर मैथ क्या पड़ा, यानी कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, आफ्टर मैथ मीन्स उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा देश पे, ब्रिटिश के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर, ठीक है। और ये सारे वो सेंटर्स हैं जो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो क्लास ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर, दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री, है ना, कि व्हेन पीपल रिबेल, जब लोग विद्रोह करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट, ये विद्रोह का कुछ सीन बना हुआ है। सिपॉयज एंड पीजेंट्स गेदर फोर्सेस, सिपॉय है और किसान है, ये सब वो अपने फोर्स को इकट्ठा कर रहे हैं रिवोल्ट करने के लिए, ठीक है। और 1857 की ये पूरी की पूरी घटना है 1857। अब ये जो यहाँ पे सीन बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, अब सबसे पहले मैं ये जानना होगा ना कि रीजन क्या था, क्यों ये सारे लोग एक साथ रिवोल्ट कर रहे हैं, रीजन क्या था। तो सबसे पहले ये कहानी है मिड 19th सेंचुरी की। हमने इसमें देखा कि जो ये पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट दैट हैड ऑन डिफरेंट पीपल, बहुत सारे लोगों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी और उसका इफेक्ट था, वो किंग्स के ऊपर, क्वींस के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, ये सब तरह के लोग जो थे बहुत ज़्यादा ब्रिटिश पॉलिसी से सफर कर रहे थे। अब एक एक को हम समझते हैं। तो सबसे पहले नवाब की बात करते हैं। अब जो ये नवाब थे उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि क्योंकि हमारे देश में उस समय बहुत छोटे छोटे जितने भी राजा, जैसे अभी तो स्टेट्स में इंडिया डिवाइडेड है, उस समय क्या था कि कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा रजवाड़ों का छोटा छोटा राज्य हुआ करता था, जैसे एमपी के नवाब, अवध के नवाब, राजस्थान में कई सारे जगह, जयपुर के, जोधपुर के, तो इस तरह के नवाब जो थे। और इधर साउथ में, आंध्र प्रदेश में, ये जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे नवाब हुआ करते थे। तो बात है मिड 18th सेंचुरी की, मिड 18th मतलब 1850 की बात है। क्या हुआ था इस समय, नवाब एंड राजा हैड सीन देयर पावर इरोड। अब जो नवाब है और जो राजा है वो ये देख रहे हैं कि उनका जो पावर है वो इरोड हो रहा है, खत्म हो रहा है। दे ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी, उनका ऑनर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों, रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन मेनी कोर्ट्स, और जो क्योंकि एक चीज ये कि रेसिडेंट्स, ये रेसिडेंट्स क्या है, ब्रिटिश रेसिडेंट, ब्रिटिश क्या करते थे कि अपने कुछ लोगों को, अपने कुछ एजेंट्स को राज दरबार में, इन नवाबों के राज दरबार में रख दिया करते थे, ठीक है। बहुत सारे कोर्ट्स में ब्रिटिश ने अपने रेसिडेंट्स को स्टेशन कर दिया था, रख दिया था। द फ्रीडम ऑफ सी रूलर्स रिड्यूस, और जितने भी अब जो ये रूलर्स थे इनका फ्रीडम धीरे धीरे खत्म हो गया था। देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंड, जो नवाब होते थे उनकी जो आर्मी होती थी वो आर्मी को हटा दी गई, धीरे धीरे वो इनकी आर्मी भी चली गई, इनका खुद का जो फ्रीडम था वो भी खत्म हो गया। और देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस, और इनकी जो रेवेन्यू थी, जो इनकी टेरिटरी थी, वो सब धीरे धीरे ले ली गई। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्रिटिश रेसिडेंट है इनकी क्या कहानी है। तो आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा होगा कि किस तरह से एक पॉलिसी थी ब्रिटिश की, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में कि ये लोग ब्रिटिश क्या करते थे, अपने एजेंट्स को रॉयल कोर्ट में रख देते थे, और वो जो एजेंट होता था वो क्या करता था, वो राजा के जितने भी इंटरनल मैटर्स होते थे उसमें वो इंटरफेयर करता था, ठीक है। और वो इसलिए रखा जाता था क्योंकि आप पढ़े ही होंगे कि एक अलायंस होती थी नवाबों और ब्रिटिश के बीच में,
कि आपके राज्य को हम प्रोटेक्ट करेंगे अगर कोई बाहरी दूसरे राज्य आपके राज्य पे अटैक करते हैं तो इसीलिए ये लोग अपना ब्रिटिश अपना रख देते थे और बदले में नवाब जो है उस एजेंट का पूरा देखभाल करना, उसको पैसे देना, उसकी पूरी आर्मी को। अच्छा, ये इनकी आर्मी तो खत्म हो गई थी नवाबों की, अब यही रेसिडेंट्स अपने जो है ये आर्मी अपनी रखते थे और इन आर्मी का खर्चा देना पड़ता था नवाबों को। तो फाइनल इनका जो फ्रीडम था अपने नवाबों का वो खत्म हो गया था, इनकी अथॉरिटी, इनका ऑनर सब खत्म हो रहा था। फिर क्या हुआ कि बहुत सारी जो रूलिंग फैमिलीज थी, है ना, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने इनका जो एक इनका अपना खुद का कोई बच्चा नहीं था तो इनका एडॉप्टेड सन था, उस बच्चे को ये चाहती थी कि हम उसके राज्य का उत्तराधिकारी बने। किंगडम, हेयर टू द किंगडम, हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी जो आगे आता है राजा के बाद, पर वो अडॉप्टेड सन था। अब क्योंकि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वही इस समय राजा थे, तो वो चाहती थी कि मेरा जो ये बेटा है हम इसी को अपने राज्य का अगला राजा बनाएंगे। इधर जो नाना साहेब थे जो कि एडॉप्टेड सन थे, ये गोद ले हुए बेटे थे। किसके थे ये गोद ले हुए बेटे? पेशवा बाजीराव सेकंड के, पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे नाना साहेब। तो एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई, एक तरफ नाना साहेब, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि भाई सीधी सी बात है, ये हमारा बेटा है और हम इसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। ब्रिटिश ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, एडॉप्टेड सन इसके लिए रियल इसका जो सक्सेसर होगा ये नहीं होगा, उत्तराधिकारी ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक लॉ आपने पढ़ा होगा, एक उसने पॉलिसी ले आई थी जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये पॉलिसी डलहौजी के समय में शुरू हुई थी, आप चैप्टर 2 में पढ़े होंगे। एक और पॉलिसी थी जिसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस। तो जो सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी थी उस पे क्या हुआ था कि उसी के अकॉर्डिंग जो रेसिडेंट रखा गया था नवाबों के कोर्ट में, है ना, और उसका पूरा का पूरा ध्यान किसको रखना होता था, नवाब को रखना होता था। लेकिन जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ध्यान, अब ये लोग जो एडॉप्टेड सन है ये अपने बेटे को अपने राज्य का सक्सेसर नहीं बना सकते थे, ये प्रॉब्लम थी। अगर इनका जब तक से अगर इनका कोई ओरिजिनल बेटा नहीं है और इनका हस्बैंड, अगर इनके हस्बैंड नहीं है तो वो पूरा का पूरा राज्य ले लिया जाएगा, ब्रिटिश उसको अनेक्स कर लेगी अपने राज्य में मिला लेगी, ठीक है। तो ये इनकी दो पॉलिसीज जो थी जिससे ये लोकल नवाब जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। तो किसी प्रकार ये सब क्या था, कंपनी जो है कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपेरिटी एंड मिलिट्री पावर, कंपनी आप जानते ही है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है, वो कंपनी के पास मिलिट्री पावर इतनी थी, इतनी ज़्यादा सुपीरियर थी वो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से ये यहाँ के लोकल नवाबों के ऊपर अपना उसने एक वर्चस्व बना लिया था। अब अवध की क्या कहानी है, अवध इम्पोर्टेंट है। आज जो आपका जो राम मंदिर बन रहा है ना फैजाबाद, यही है वो अवध। वहाँ पे उस समय जो राजा रहते, 1801 का ये इवेंट है, क्या हुआ कि अब सब्सिडियरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड इन राजा के ऊपर, अवध के राजा के ऊपर 1801 में सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज किया गया और फिर इट वॉज टेकन ओवर इन 1856। इट वॉज टेकन ओवर गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर। अब जो वहाँ का गवर्नर था जिसका नाम था डलहौजी, आप नेम को याद रखेंगे, गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने क्या किया, उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो राजा है इसकी गवर्नमेंट सही नहीं है, ये मिस गवर्न कर रहा है अपने स्टेट को, ठीक है, मतलब झूठे झूठे एलिगेशन लगा दिए गए अवध के नवाब के ऊपर, और इसलिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश रूल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कह के अवध के नवाब को पूरे अवध को 1801 में इन लोगों ने अपनी टेरिटरी में मिला लिया कंपनी ने, किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मिस गवर्नमेंट के बेस पे ये राज्य जो है यहाँ का नवाब गवर्न सही नहीं कर रहा है, तो इसलिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने इस राज्य को अपने में मिला लिया। आगे क्या हुआ, द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग दी, अच्छा अभी तो ये था कि अवध हुआ,
अभी तो ये अवध के साथ ऐसा कर रहे हैं, अब धीरे धीरे ये प्लान कर रही है। क्या प्लान कर रही है कि प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। अब इनका प्लान ये चल रहा है कि किस तरह से जो मुगल डायनेस्टी है उसको खत्म किया जाए। मुगल डायनेस्टी को कैसे खत्म होगा, क्योंकि मुगल डायनेस्टी को खत्म करना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आपको पता ही है ना कि मुगल जो थे बादशाह होते थे और पूरे इंडिया के ऊपर उनका शासन होता था। पर अब ये सोच रहे थे कि छोटे 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 नवाब हैं, हमने कई सारे पॉलिसीज लेकर झांसी को उन्होंने अपने फेवर में कर लिया, नाना साहेब कानपुर के जो पेशवा थे नाना साहेब, जिनके बाजीराव सेकंड के जो एडॉप्टेड सन थे उनको इन्होंने अपने अपने राज्य में मिला लिया। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं आपके अवध को इन्होंने ले ही लिया मिस गवर्न का एलिगेशन लगा करके। अब इन्होंने सोचा कि जो मुगल डायनेस्टी है ये पूरे देश तक अपना राज्य फैलाई हुई है, हालांकि लास्ट मुगल रूलर्स जो थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका ये था कि मुगलों का अपना चलता था, शुरू से ही चलता था। तो अब इन्होंने क्या किया, प्लानिंग किया। प्लानिंग में इन्होंने क्या किया कि नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द क्वाइंस। अब जो क्वाइंस मुगल्स अपना चलाती थी उस क्वाइंस के ऊपर इन मुगल राजाओं का नाम नहीं होगा। देखो प्लानिंग में सबसे पहले इन्होंने ये शुरू किया, क्वाइंस पे इनके नेम को रिमूव कर दिया। कैसे, ये धीरे धीरे उनके पावर को खत्म कर रहे हैं। सेकेंड, 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, क्योंकि उस समय लास्ट मुगल बादशाह एम्पेरर जो था बहादुर शाह जफर था, तो उसको गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा कि इसके परिवार को द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड। बहादुर शाह जफर को इसने कह दिया डलहौजी ने, जो गवर्नर जनरल था, कि अब इनका और इनकी फैमिली जो है वो रेड फोर्ट में नहीं रहेगी, यानी कि इनके हाउस को भी अब चेंज कर दिया, दिल्ली में किसी दूसरे जगह पे रहे पर वो रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे। ये उसने दूसरा काम किया। थर्ड, इन 1857 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड, अब जो तीसरा गवर्नर जनरल आया 1856 के समय वो था कैनिंग। कैनिंग ने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर जो है ये लास्ट मुगल रूलर होगा, इसके बाद कोई भी इसका बच्चा भी जो आएगा वो मुगल किंग नहीं बनेगा, और इसके डेथ के बाद आफ्टर हिज डेथ नॉन ऑफ द डिसेंडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग, किसी को भी किंग की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, उनको सिर्फ प्रिंसेस कहा जाएगा। तो ये तीन तरीके से उन्होंने प्लानिंग करके मुगल की जो अथॉरिटी बनी हुई थी, जो थोड़ा बहुत उनका जो पावर था उसको इन्होंने खत्म कर दिया, डलहौजी और कैनिंग ने मिलकर के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अवध ऊपर से जो मुगल बादशाह थे, मुगल किंग्स जो थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, उनके साथ कितनी प्रॉब्लम आती है बहादुर शाह जफर के साथ। ठीक है, एक जो हमने फिर देखा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, नाना साहेब जो कानपुर के थे उनको कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो इस तरह से ओवरऑल और यही दो पॉलिसीज की वजह से, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इन दो पॉलिसीज की वजह से इंडिया में जितने भी नवाब थे, जो लोकल रूलर्स थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो ये तो था ओवरऑल किसके बाद, नवाबों के बाद। अब हम बात करेंगे पीजेंट्स एंड द सेपॉयज की। आपके जो भी क्वेरीज होंगे मैं आपको टाइम दूंगी 5 मिनट, ये भी लास्ट इन दैट टाइम। पीजेंट्स किसानों का क्या हुआ, पीजेंट्स क्यों डिसेटिस्फाइड थे और सेपॉयज क्यों? तो पीजेंट्स तो आपने पढ़ा ही है, आप वो सारी व्यवस्था जानते हैं जो पीजेंट्स के साथ हुआ था। हाई टैक्सेस, हमेशा ये टर्म याद रखना, जितने भी पीजेंट्स थे जमींदार्स भी बहुत ज्यादा रिसेंटेड थे, रिसेंटेड मतलब डिसेटिस्फाइड थे। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस, बिकॉज ऑफ द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, आगे मेनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर्स। अब जो ये मनी लेंडर्स से जो भी ये लोन लेते थे ये टैक्स को पे करने के लिए, वो फेल हो जाता था क्योंकि क्रॉप कल्टिवेशन कभी कभी हमेशा उस तरह से नहीं हो पाता था। ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड, और फिर ये धीरे धीरे अपने लैंड को लॉस्ट कर देते थे, और जो दे हैड टिल्ड फॉर, जो वो इसलिए रखे थे कि वो अपने आने वाले बच्चों के लिए वो लैंड रखेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे अपना लैंड भी करके खत्म कर दिए।
क्यों? बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस एंड बिकॉज ऑफ रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। टर्म्स याद रखना। इंडियन सिपॉयज का क्या हुआ? इंडियन सिपॉयज ने क्या किया कि ऑफ द कंपनी ऑल्सो एट, ये भी बहुत ज्यादा परेशान थे, दे वेयर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ देयर पे, उनको जो पेमेंट मिलती थी, उनको जो अलाउंस मिलती थी, उनको जो कंडीशन ऑफ सर्विस मिलते थे, वो सब क्या होते थे, वो बहुत ज्यादा इनके फेवर में नहीं थे। और ऊपर से ठीक है, एक तो इनकी ये प्रॉब्लम थी कि उनको पेमेंट, उनकी अलाउंस, उनकी सर्विसेज उनके लिए फेवरेबल नहीं थी। दूसरा क्या था कि सम ऑफ द न्यू रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स आ गए थे जो इनके रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को वायलेट कर रहे थे, इनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे, इनके जो रिलीजियस बिलीफ थे, उनकी इनकी आई हुई नया जो न्यू पॉलिसीज थी वो उनको बहुत ज़्यादा वायलेट कर रहे थे। अब वो किस तरह के रूल बने हुए थे, एक बार क्या होता है कि एक बार क्या नहीं होता है, ब्रिटिश ने 1824 में क्या किया था, सिपॉयज को कहा था कि आप लोग बर्मा जाएंगे, बर्मा जो आज का प्रेजेंट म्यांमार है, कैसे जाएंगे, सी रूट से जाएंगे, कंपनी के लिए आप जाके वहां पे फाइट करेंगे। तो इन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, ऑर्डर नहीं फॉलो किया। वाय? क्योंकि इनका कहना था कि हम लैंड रूट से चले जाएंगे बट हम सी रूट फॉलो करते हुए नहीं जाएंगे। दे वेयर सिवरली पनिश्ड, इनको पनिश किया गया। और फिर 1857 में कंपनी ने एक नया लॉ पास किया जिसमें ये था कि एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। उस समय ये सिपॉयज इसलिए मना किया था क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा था कि समुद्र पार नहीं करना चाहिए। तो सिपॉयज को लगा कि इनके इस न्यू ऑर्डर से हमारा जो ये धर्म है, हमारा जो बिलीफ है, वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा धर्म हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उनके मना करने से बहुतों को पनिश किया गया, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको दी गई। और फाइनली इन्होंने एक नया लॉ ये बना दिया कि 1857 में कि अब जो भी यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट लेगा आर्मी में, वो सारे के सारे आपको ये सी फोर्सेस ओवरसी जाके भी आपको काम करना है। तो ये है सिपॉयज क्यों डिसकंटेंट थे, इसकी वजह। सिपॉय ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो सिपॉयज थे उसमें बहुत सारे गाँव के भी थे, कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज के भी थे, बहुत सारे उसमें पिजर्स थे, बहुत सारे सिपॉयज में पिजर्स थे और उनके तो और पिजर्स थे, जब सिपॉय बहुत सारे पिजर्स थे तो गांव में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी उसका असर तो इनके ऊपर भी पड़ेगा, ये सिपॉयज के भी असर पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि इस तरह से हमने देखा कि सिपॉय और ये किंग्स क्वींस, ये जो नवाब वगैरह थे और जो पिजर्स थे वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। अब एक चीज हम यहाँ पे ये देखेंगे रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म में कि इसका रिफॉर्म का, ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। अब इनका ये ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो इंडियन सोसाइटी है उसको क्या करना है, रिफॉर्म करना है, उसमें सुधार की जरूरत है। तो फिर अब इन लोगों ने कुछ नए नए लॉ बनाए थे, जैसे स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा को खत्म करने का लॉ, ठीक है। सेकेंड थिंग, इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। विडोज मतलब विधवाओं के पुनर्विवाह, यानी कि उनकी रीमैरिज करना, जो विधवा लोग हैं उनकी दोबारा से शादी करने का इनका जो दूसरा था ये क्या था, रिफॉर्म था, सुधार इन्होंने किया था। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, ये इनका तीसरा था, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कि जो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन है इसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये बहुत सारे रिफॉर्म चला रहे थे। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो इनकी कंपनी है उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में भेजा था 1830 के बाद कि ये लोग यहाँ पे जाके यहाँ के जो लोग हैं उनको जाके एजुकेट करेंगे। तो क्या हुआ, द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी, वहाँ के लैंड पे जाके, वहाँ के प्रॉपर्टीज पे जाके ये अपना मिशनरीज, ब्रिटिश मिशनरीज अपने स्कूल खोलेंगे और स्कूल खोलने के बाद ये लोग वहाँ के लोगों को एजुकेट करेंगे। आप जितने भी मिशनरीज स्कूल देखते हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के द्वारा चलाए हुए स्कूल थे। अब क्या है, 1850 में अ न्यू लॉ वॉज पास्ड, एक नया लॉ बना। क्या, अब सोचो ये लॉ बन गया, चौथी प्रॉब्लम,
क्या लॉ बना, टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर। अब ये मिशनरीज इस तरह से एजुकेट करते थे लोगों को कि जितने भी लोग अब इंडिया के ही लोग पढ़ेंगे, तो जितने भी लोग पढ़ते थे उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो गया था। अब क्या हुआ कि अब जो इंडियंस थे वो फील करना शुरू करते हैं कि ब्रिटिश जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनके रिलीजन को, धर्म को खराब कर रहे हैं, उनके सोशल कस्टम्स को खराब कर रहे हैं, उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को खराब कर रहे हैं। तो जब ये रियलाइजेशन इनको होता है तो फिर क्या होता है कि जो भी ये सोशल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, सोशल रिफॉर्म कर रहे थे, सती प्रथा को लेके, विधवा पुनर्विवाह, विडो रिमैरिज को लेकर के इंग्लिश लैंग्वेज को कंपल्सरी बना दिया क्रिश्चियनिटी मिशनरीज के द्वारा, इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये लोग जो भी तरीका अपनाए थे रिफॉर्म्स में, ये क्या थे, इससे बहुत ज़्यादा यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट थे। दे आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिफॉर्म्स। क्यों? क्योंकि अपने इंडिया में धर्म जो था वो बहुत ज़्यादा था कि हमें ऊपर से समुद्र पार करके नहीं जाना है। आपको पता ही है कि जो सती प्रथा का प्रैक्टिस इन लोगों ने किया था, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी थी, तो क्या हुआ था कि उस समय राजा राम मोहन राय, हालांकि अपने देश के कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जो चाहते थे कि, यही चाहते थे कि देश में इस तरह की जो कुरीतियाँ आ रही हैं, जो बैड हम लोग कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं, उसको ख़त्म किया जाए। कहीं ना कहीं ये अच्छा था, लेकिन उस समय के लोग जो थे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए वो सब लोग जो है एक फाइनली ये सारा गुस्सा जो है एक दिन जाके फूटता है, और वही जो 1857 का रिवोल्ट होता है। कहते हैं ना कि घुट घुट से घड़ा भरता है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके जो गुस्सा फैला हुआ था लोगों में, सिपॉय में, पीजेंट्स में, नवाब्स में, वो सब क्या होता है, धीरे धीरे बहुत बड़ा डिसकंटेंट बन जाता है और बहुत ज़्यादा एक फायर बन जा रहा है, और वही फायर जो है 1857 के रिबेल के रूप में आती है। तो क्लास ये था हमारा आज का, अब आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हो।